सो वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मैं हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर। बेटा, एक बार फिर से आपके सामने एक और बहुत प्यारी सी वीडियो लेके आ चुका हूँ, और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक मैनेजर इफेक्टिव और एफिशिएंट कैसे बन सकता है। मतलब आज हम अपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पहला चैप्टर है हमारे बिजनेस स्टडीज का, उसका सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो बेटा, अगर मैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस आपको बताऊं, तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है वो जरा एक बार देख लेते हैं। जो सबसे बेसिक डिफरेंस निकल के आता है, इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। देखिए, एक मैनेजर को इफेक्टिव तब कहा जाएगा जब वो अपना काम समय पे पूरा करे और उसको पैसे की कोई चिंता ना हो। बस उसने अपना काम समय पे पूरा कर दिया, दैट्स इट। और एक मैनेजर को एफिशिएंट तब माना जाएगा, एफिशिएंसी तब कहलाई जाएगी जब वो अपना काम पूरा करे और पैसा भी बचाए, है ना। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। जहां पे ये पैसा बचाए वहां पे एफिशिएंट होता है, और जहां पे ये समय बचाए वहां पे ये मैनेजर हमारा इफेक्टिव हो जाता है। यहां पे ऑब्जेक्टिव होता है कि एंड रिजल्ट्स को अचीव किया जाए सही समय पे। मतलब कि जितना गिवन टाइम है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दस दिन, उस गिवन टाइम में हम अपने काम को कंप्लीट कर लें। और यहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाता है कि कितना हमने लगाया और कितना हमको मिला। हमने 100 रुपए लगाए तो हमको 200 रुपए मिले, तो यहां पे ये एनालिसिस किया जाता है। यहां पे टाइम की कोई बात नहीं होती है, जबकि यहां पे बेटा, यहां पे क्या होता है, टाइम की बात होती है। अच्छा, द थर्ड एंड द मेन डिफरेंस इज, मेन कंसिडरेशन इज टाइम। यहाँ पे जो मेन कंसिडरेशन है वो समय है, टाइम है, और यहाँ पे मेन कंसिडरेशन है कॉस्ट। तो अगर कोई मैनेजर, अब आज के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई मैनेजर टाइम पे अपने काम को खत्म करता है तो उसको इफेक्टिव कहेंगे, और अगर कोई मैनेजर टाइम पे खत्म करे चाहे ना करे, पैसा बचा के लाता है, तो उसको हम एफिशिएंट कहेंगे। अब मन में सवाल ये कि सर, इफेक्टिव होना जरूरी है या एफिशिएंट होना जरूरी है? तो उसका जवाब अब मैं आपको देने वाला हूं। देखो बच्चों, हमें ये देखना है कि प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए। जरा आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कि एक टीम को ना हमेशा इफेक्टिव होने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, कभी कभी जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो पैसा थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बड़ी कंपनीज को। उनको ये चाहिए कि समय पे काम खत्म हो, क्योंकि समय पे अगर काम नहीं खत्म हुआ तो जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर हमने एंड रिजल्ट्स को अचीव कर लिया और थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा भी खर्च हो गए तो कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आप अपने घर से आप अपने शहर के रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ट्रेन अपने समय से निकल जाएगी। अब आप ओला करें, उबर करें, रैपिडो करें, पैदल जाएं, ऑटो पकड़े, टैक्सी पकड़े, मेट्रो से जाएं, फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस टाइम पे पहुंचना है। तो अब मैं अगर कहता हूं कि आप अपने घर से निकले और रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुंच गए, और भले ही आपने ओला में ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हो, मेट्रो से जाते तो सस्ता पड़ता, लेकिन ओला में आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, ठीक है, तो आपको बेटा इफेक्टिव बोला जाएगा, लेकिन एफिशिएंट नहीं बोला जाएगा। तो ना बोला जाए, अरे भाई ट्रेन पकड़ ली ना, मेन मैटर क्या है, ट्रेन पकड़ ली, और अगर ट्रेन ना पकड़ पाते तो फिर कितना नुकसान होता। एक तो जहां जा रहे थे वहां पहुंच ना पाते, ट्रेन जो हमने टिकट कराया था वो भी कैंसिल होता, फिर अगला टिकट कराते उस पर भी हमें जो है 1000-2000 रुपए खर्च करने पड़ते। तो कहने का मतलब है बेटा कि ओला में 100 रुपए दे के जल्दी पहुंच जाओ, वो ज्यादा अच्छा है ट्रेन छूट जाने से। तो इफेक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बिफोर अ टीम कैन बिकम मोर एफिशिएंट, इट नीड्स टू आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी डन। एफिशिएंट होने से पहले, पैसा बचाने से पहले ये देखना है कि करना क्या है। हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें ट्रेन पकड़नी है और 10 बजे की पकड़नी है, एंड ट्रेन पकड़ना इज इंपॉर्टेंट, कैसे रेलवे स्टेशन पहुंचा जाए इज नॉट इंपॉर्टेंट। 150 रुपए खर्च हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। Being efficient and getting a lot of things done doesn't necessarily mean increased productivity because you could be doing the wrong task. Efficient, सिर्फ efficient हो जाने से, पैसा बचा लेने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आप पैसा तो बचा रहे हो लेकिन आप काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट ना कर पा रहे हो। तो ये थर्ड पॉइंट है मेरी इस बात को सपोर्ट देने के लिए कि इफेक्टिव होना कितना जरूरी है, है ना। और बेटा लास्ट पॉइंट, इन दिस सेंस बिकमिंग इफेक्टिव शुड बी द फोकस बिफोर एफिशिएंसी, बट द अल्टीमेट गोल इज फॉर अ टीम टू बिकम एफिशिएंटली इफेक्टिव
विच मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स वेल। तो बेटा यहां पे क्या बात हो रही है, एक वर्ड निकल के आ रहा है, जरा मैं इसको सर्किल कर दे रहा हूं, आप देखिएगा, एफिशिएंटली इफेक्टिव। हमको कैसा बनना है बच्चों, हमको एफिशिएंटली इफेक्टिव बनना है, मतलब पैसा बचाते हुए अपने काम को अच्छे तरीके से करना है। अब सर पैसा कैसे बचाएंगे, बेटा उसी एग्जांपल में ले लेते हैं, जब ओला करनी थी तो एक बार वही प्राइस हम ऊबर में चेक कर लेंगे, और अगर आपने ऊबर में 10-20 रुपए बच रहे थे तो बचा लेना था, सिंपल सी बात है। तो हमें एफिशिएंटली इफेक्टिव बनना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है एंड ज्यादा जरूरी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बात होगी कि लीडर जो इफेक्टिव होता है वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर कोई लीडर इफेक्टिव है, मतलब अपने काम को सही तरीके से सही समय पे कर रहा है, तो कैसा होगा, आर अडॉप्टेबल। अडॉप्टेबल का मतलब ये है कि बेटा समय बदलेगा और लीडर को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी वो मैनेजर अच्छा हो सकता है, तभी वो मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, एंड तभी उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी जब वो समय के हिसाब से बदलता रहे। कंसीडर बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो बिजनेस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अपनी प्रायोरिटी रखे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने हैं बाय हुक और क्रुक, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे होने चाहिए। इनकरेज इनोवेशन, वो हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचे ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, एंड हैव गुड इंटरनल कम्युनिकेशन, और बेटा वो बातचीत अच्छे से करे, वो बातचीत बना के रखे, तभी जाके उसका जो लीडरशिप इम्पैक्ट है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लेवल तक पहुंच पाएगा। तो एक लीडर इफेक्टिव कब माना जाएगा, जब वो ये चार काम करेगा। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहाँ पे क्या आपने कहीं पैसों की बात की है, यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई पैसों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, बस ये बात हो रही है कि काम को कैसे अच्छे से किया जाए। तो समझ गए होंगे आप लोग इफेक्टिव लीडर क्यों कहा जा रहा है इसे। एंड लास्ट टॉपिक देखते हैं कि कोई लीडर एफिशिएंट कब होता है, जब वो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है। अब बेटा प्रोडक्टिविटी किस चिड़िया का नाम है, देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन करना नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी का मतलब है जैसे मैं हूं तो मैं कहता हूं कि मैं एक घंटा पढ़ा रहा हूं और एक घंटे में 2 घंटे की पढ़ाई पढ़ा दे रहा हूं, मतलब काम 1 घंटा लेकिन जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो आउटकम निकल के आ रहा है वो 2 घंटे का आ रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, मैंने 2 घंटा लगा के एक ऐसी डिश बनाई है जिसको कोई 4 घंटे में भी नहीं बना सकता है, ये मेरी प्रोडक्टिविटी है। समझ रहे हैं, तो बेटा उसी तरीके से बात हो रही है कि भाई जो जब प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेगी, समय भी कम लगे, पैसा भी कम लगे और प्रोडक्टिविटी हाई हो, तब उसको एफिशिएंट कहेंगे। आर मेथोडोलॉजिकल, मेथोडोलॉजिकल मतलब बेटा कि एक मेथड, एक प्रॉपर मेथड फॉलो करने वाला होना चाहिए लीडर, अगर अपने मेथड्स को चेंज करेगा तो पैसा ज्यादा खर्चा होगा। टास्क ओरिएंटेड, वो मैनेजर एफिशिएंट कहलाया जाता है जो टास्क पे फोकस करे, एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया गया कंप्लीट करके ही दम लेंगे। मोस्ट एफिशिएंट लीडर्स आर ओरिएंटेड टू फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, जो हाथ में है बस उसको पूरा कर दो, दैट्स इट। हमें ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर की उतनी चिंता नहीं है, हमें इतनी चिंता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज एम्फसाइज वर्कफ्लो, बेटा एफिशिएंट लीडर क्या करते हैं, आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज टू स्ट्रीमलाइन देयर बिजनेस प्रोसेसेस, ये हमेशा देखते रहते हैं कि क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस प्रोसेस है वो अच्छे से चलता रहे। तो बच्चों आई होप कि आपकी जो आज की वीडियो है वो आपको ये जरूर समझा गई होगी कि एक इफेक्टिव लीडर कैसा होता है, एक एफिशिएंट लीडर आपका कैसा होता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट लीडर में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। ओके बच्चों ठीक है, तो बेटा ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पे अगर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, क्लास 12th कॉमर्स से रिलेटेड एंड क्लास 11th कॉमर्स से रिलेटेड भी लेके आएंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।